अच्छे बुरे वक्त में भाग कर आते हैं फ्रेंड्स, रिश्तेदार तो बस पैसे वालों को कीमत देते हैं और फ्रेंड्स अपना बनकर। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादू तेरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। आपको पता है आपका बेटा कभी अच्छे नंबर नहीं लाता। ये है ही ऐसा, नंबर लाने के मामले में इतना बेवकूफ है। कल मैंने कहा पड़ोसन का नंबर ले गया, उसके पति का नंबर ले आया। तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना माने ना। इडियट, सुन प्यारे, जितना तेरे को किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार करने का हक है, उतना ही लड़कियों को तेरे प्यार को ठुकराने का हक है। जोर जबरदस्ती और धमकी से प्यार नहीं मिलता मेरे भाई, फिर तू क्यों बेकार कोशिश करता है? देख यार, कोई ना कोई होगी जो तुझे दिल से प्यार करेगी, बस सबर कर और उसका इंतजार कर। गुड लक। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज कराया, आज गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया सकल सब देखती है। हेलो, क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? कौन बोल रहा है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? नहीं। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारी आंखें इस दुनिया की सबसे सुंदर आंखें हैं? नहीं। कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारी आवाज इस दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है? नहीं। देखा, फालतू में लड़के बदनाम है, मतलब किसी ने झूठ नहीं कहा ना तुमसे। कौन बोल रहा है? कौन कुछ बोल रहा है? ये बदतमीज बोल, कौन रहा है? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सुनो जी, मेरी तारीफ में कुछ बोलिए ना। अर्ज किया है, तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है, कभी दाल में कभी सब्जी में कभी रोटी में कब्जा जमा रखा है। oh, एक बिजनेसमैन दौलत के लिए सिर झुकाएगा, पॉलिटिशियन पावर पाने के लिए सिर झुकाएगा, योद्धा अपने से बलवान दुश्मन के आगे घुटने टेकेगा, लेकिन मिडिल क्लास आदमी का दिमाग सटक गया ना, तो ना ही वो झुकता है और ना ही वो रुकता है। तुझे ऐसा मारूंगा कि अगले जन्म। दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते वो हमारा प्यार होता है। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तब तक कोई भी कहीं भी
और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। Never, ever. भाई आप लोग जानना चाहते हैं मैं शादी के बाद भी इतना खुश कैसे रहता हूँ। हमने एक दूसरे ने काम बांट रखा है। मैं खाना बना दूँ ये खा लेती है, मैं चाय बना दूँ ये पी लेती है, मैं कपड़े प्रेस कर दूँ ये पहन लेती है, मैं पैसे दे दूँ इसको ये खर्च कर लेती है। बेबी कई बार मेरे को लगता है बंटवारा गलत किया हमने। भगवान किस कुसूर की दी है छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, तो फिर इतनी खतरनाक बीबियां कहां से आ जाती हैं? भरोसा करके देख मेरी जान, मैं तेरा फायदा नहीं तेरे नखरे उठाऊंगा। छोड़ दुनिया में सारी वो बड़ा तेरा दिल। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। जितना आप मुझे भाषण देते हो ना, इतने में तो आपको चुनाव लड़ लेना चाहिए। एक बार मैंने जिसका चुनाव किया, मुझे उसी से लड़ने से फुर्सत नहीं है, मैं क्या चुनाव लड़ूंगी। यार मैं जो भी काम करता हूँ तो साली मेरी बीबी बीच में आ जाती है और मैं बहुत परेशान हूँ। तू एक काम कर, ट्रक चलाकर देख, शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। पत्नी को वाइफ ही क्यों कहा गया? बहुत सोचा, फिर वाइफ का असली मतलब आज पता चला। विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना। अंकल आप क्या जाने कि लड़की लड़के का प्यार कितना मुश्किल होता है। हर दिन उस लड़की के पीछे घूमना पड़ता है, उसकी हर बात सुननी पड़ती है, एक बार वो मुड़कर देखेगी ये सोचकर वेट करना पड़ता है। अगर एक लफ्ज में कहूं तो जो प्यार आप 20 साल से दिखाते आए हैं ना, हमें 2-3 महीनों में दिखाना पड़ता है, तब जाकर एक जगह पर हम कनेक्ट हो पाते हैं। उसके लिए परिवार को भी छोड़ देंगे, जब ऐसी फीलिंग आती है ना तब जाकर। बहुत दिन हो गए तुमने कॉल नहीं किया। तुम मुझे पसंद नहीं। पर ऐसा क्यों? पसंद नहीं हो? I don't believe this. मैं नहीं मानता तुम पसंद करती हो मुझे। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में क्यों नहीं देखता? उससे मेरा प्यार जाग जाता है, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत बहुत। भाई साहब आपने मेरी बीवी को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? थोड़ा बताओगे कैसी दिखती है? पर्पल कलर की ड्रेस डाली हुई थी। पर्पल ड्रेस, व्हाइट हील, बाल कल थे, यहाँ पे 2 तिल थे, गोल्डन नेकलेस था, फिगर था 34, 26, 34।
मैंने नहीं देखा। दरोगा साहब, मैंने सुना कानून के हाथ बहुत लंबे हो। हाँ सही सुना। अरे तो मेरा फोन घर पे रह गया, जरा उठा दियो लंबे हाथ करके। घड़ी में एक घंटा तब होता है जब बड़ा कांटा 60 कदम रखता है, पर छोटे कांटे का एक कदम काफी है। मैं कदम रख चुका हूँ, खेल का रुख बदल चुका है सांप सीढ़ी के खेल में। हेलो गूगल, मुझे दूसरों की बीबी क्यों अच्छी लगती है बताओ तो। चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी भी किसी और को अच्छी लगती है।